بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خادم النبیین میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا گو ہاں اللہ پاک تمام احباب دا آنا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے غالباً آج ربیع الاول دی چودہ یا پندرہ تاریخ ہو گئی ہے کیوں پندرہ ربیع الاول یعنی اور دوڑے علم جوے کہ او مہینہ جس مہینے جے حضور دی ولادت ہوئی ہے اور اس مہینے جے حضور پاک اس دنیا تو رحلت فرما گئے تاریخ دی اندر بہت زیادہ اختلاف ہے بہرحال زیادہ علماء دا جس تے اتفاق کے نبی پاک گیارہ ہجری بارہ ربیع الاول دا دن صوبات دا چاشت دا وقت نبی پاک اس بارہ ربیع الاول دے دن اس کائنات تو رخصت ہو گئے آپ اس دنیا تو چلے گئے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند فرما کے بارہ ربیع الاول دے دن مدینے چے کوہرام برپا سی
सहाबा परेशान नहीं बल्कि गम ज़दा इतने सर के जिंदगी चे इतने गमगीन नहीं सर। हजरत सैयदा फातिमा 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पुकार रही सर कि हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ, वा काराबा या अबाहु, मेरे बाबा की तकलीफ बहुत ज्यादा है। 12 रबीउल अव्वल के दिन वफात ते मुस्तफा के दिन उमर अपने हवास खो बैठा है। बिलाल नबी पाक की जुदाई जे आजू बहा रहे है, हर पास अंधेरा छा गया है। नबी पाक दुनिया तो गए ते सहाबा कह रहे ने आज दे दिन असी यतीम हो गए हैं। दोस्तों कायनात के अंदर मोमिन बंदे वास्ते सब नालों बड़ा गम मेरे महबूब की जुदाई का गम है, इस नालों बड़ा गम कोई नहीं। और साढ़े वास्ते इस नालों बड़ा कुछ सदमा और हादसा भी कोई नहीं। कायनात दे तमाम गम दुख तकालीफ एक पासे, हजूर दी जुदाई दा गम एक पासे। मोमिन ते अज जिंदगियां गुजारते ने बह इस मुहब्बत विच के असा एक दिन हजूर ना मुलाकातां करनियां ने इंशाअल्लाह। नबी अलैहि सलातो सलाम पता जे की फरमाया कर दिस, आप फरमाया कर दिसन के लोगो अगर तुहानू किसे अपने फौत होन वाले दी जुदाई दा गम तड़पाए तो मैं मुहम्मद दी मौत दा सदमा याद कर लिया करिया जे, तुहानू ओदा सदमा भुल जाएगा। चूंकि सदमा बहुत बड़ा है, नबी अलैहि सलातो असलाम बुखारी मुस्लिम की रवायत हजरत जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो इस रवायत के रावी ने कि रमजान का महीना ते 10 हिजरी नबी पाक नबी पाक की जिंदगी का आखिरी रमजान सी। ध्यान करना जरा, हर साल नबी पाक 10 दिन का इतकाफ करते, इस साल आपने 20 दिन का इतकाफ किया। नबी पाक हर रमजान के अंदर कुराने पाक का एक दफा दौर करते, नबी पाक ने इस साल 2 दफा दौर किया। रमजान गुजर गया, नबी अलैहि सलातो वसलाम ने शवाल गुजरिया, ज़ुल्कादा गुजर गया। बुखारी अंदर मौजूद है कि नबी अलैहि सलातो वसलाम ने ज़ुल्कादा दी 24 या 25 तारीख नो इरादा किया कि असी इस दफा हज करांगे। 24 या 25 तारीख नो ज़ुल्कादा दी नबी पाक हज वास्ते रवाना हो गए। 9 दिन लगे मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, नबी पाक इत्थे आ गए मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, अरफात का मैदान सी, हज शुरू हो गया।
मैदाने अरफात सी ते आसमान तो कुरान आ रहा है मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ते कुरान की आ रहा है। सुनिए कुरान दरा फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान कुरान में तेरी अजमत दो सदके जावा लख वार में कुर्बान होता जावा नबी पाक अठ ज़ुलहज नो मीनार दे अंदर उतो जनाबे वाला अरफात दे अंदर चले गए मैदाने अरफात दे अंदर कुराने पाक आ रहे है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। कुरान आसमान तो लेके आ रहे है जबरीले अमीन आ रहे है। गौर करना कुरान दे परवानियो इर्दा गिरद तो आने वाले दोस्तों बड़ी मोहब्बत दे नाल अज दा पैगाम सुन के ले जाना अल्लाह अल्लाह जेड़े वेले कुराने पाक दा ए मुकाम उतारिया गया ना हजरत जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो हजरत उमर लागे सन ते मेरा उमर अखां डुल पईआं आंसू निकल आए हजरत उमर रोन लग पए अल्लाह अल्लाह पुछया गया उमर जी क्यों रो रहे हो फरमांदे ने इस आयत दे अंदर नबी पाक दी वफात दा जिक्र आ गया है। नबी पाक दे कोल नबी पाक ना मुखातिब ने हजरत उमर फरमांदे ने फरमाया सोनिया अजे ते असी होर खैर दे उम्मीदवार सां अजे ते असी होर खैर दे उम्मीदवार सा पर सोनिया हुन आसमान तो पैगाम आ गया है हुन मैनू इंज लगदा पिया जिवें सोनिया साडा तुहाडा साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकेगा। वक्त गुजरता गया टाइम गुजरता गया उधर मेरे आका जुमरात दे मौके ते आ गए कंकरियां मारियां ने इतो फारग होए ना आसमान तो फिर कुरान आया है अल्लाह पाक ने फिर कुरान भेजे है कुरान दा मुकाम सुनिए फरमाया इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराईतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। कुरान पाक दी आयत नो उतारिया गया इस सूरत नो उतारिया गया है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करते जाना बड़ी मोहब्बत दे नाल और बड़े प्यार दे नाल गौर नाल अज दा पैगाम सुनना जरा फरमाया इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराईतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। आसमान तो कुरान आ रहा है एक कुरान पाक दिया आखिरी सूरत तो सूराए नसर उतारी गई है सूराए जनाबे वाला अल्लाह 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 पाक
پاک اس سورت نو اتاریا ہے ادھر جناب نبی پاک جدو یہ مقام اتاریا گیا نا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا او میرے پروانیو او میرے صحابیو ایک گل سن لو اج اے قرآن دا مقام آیا تے مینو دس دتا گیا کہ تہاڈی موت دا وقت قریب قریب ہے سونے تہاڈا آخری ویلا ہن نیڑے نیڑے آ رہا ہے تے میرے آقا جدو قرآن پاک دے اس مقام نو پڑھ لیا اتار دتا گیا نا تے میرے آقا صحابہ نو بار بار فرماندے نے بے آقا فرماندے نے او میرے پروانیو او میرے جانسارو میرے کولو حج دے طریقے حج دے ارکان دے طریقے سیکھ لو بار بار میرے آقا فرماندے نے بے میرے کولو حج دے ارکان دے طریقے سیکھ لو شاید کہ میری زندگی دا آخری حج ہووے اج دے بعد شاید سانو ایتھے آنا مینوں نصیب ہووے کہ نہ ہووے میرے آقا فرماندے نے بار بار آقا فرماندے نے بے کتے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور کتے صحابہ نو نصیحت کرتے نے بے کتے میرے آقا اپنے صحابہ نو جمع کر کے تے انہاں دے نال گل بات کرتے نے بے تو جناب واپسی ہوئی نا 13 ذوالحجہ تے میرے آقا واپسی جاندے نے بے ایک غدیر خم ایک جگ ایک جگہ دا نام ہے ایک مقام دا نام ہے میرے آقا نے اس جگہ تے جا کے حضور پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ نال گل کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو میں تواڈے چ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا آقا فرماندے نے میں تواڈے چ دو چیزاں چھڈ کے جانا پیا ایک چیز میرے اہل بیت نے میرے اہل بیت نال وفاواں تے محبتاں کردے رہیا جے دوسرے نمبر تے میری سنت فرمایا اینو سینے نہ لگا کے رکھیا جے فرمایا کسے وی موقع تے ناکام نہیں ہووگے کسے وی موقع تے گمراہ نہیں ہووگے انہاں دوواں چیزاں نو اپنے سینے نہ لگا کے رکھنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے ادھر جناب خطبہ ارشاد فرمایا نا خطبہ ارشاد فرمایا تے ادھر میرے آقا مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئے مدینے پہنچے نا تے میرے آقا اس طرح اپنا ایک پروانہ اپنا جان نثار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل میرے آقا نے گورنر بنا کے بھیجے یمن دا گورنر بنا کے بھیجے تے میرے آقا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس طرح اپنے پروانے نو ودیا کرن واسطے آ رہے نے اینو رخصت کرن واسطے آ رہے نے نالے میرے آقا نصیحتاں کردے نے پے نالے میرے آقا وصیتاں کردے نے پے تے نال میرے آقا فرماندے نے او میرے آ پروانیا ایک گل سن جا شاید کہ تو اگلی وار آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہو سکے شاید تو آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہو سکے ادھر اے نبی دا جانسار حضرت معاذ بن جبل رون لگ پے اکھاں چوں آنسو نکل آئے زارو کتا رون لگ پے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا معاذ دل وڈا کر حوصلے تو کم لے صبر تو کم لے
अब क्यों रोन लग पे आंदा सोनिया तुसी गल की मैं क्यों ना रोवा तुहानू पता ना मैं तुहाडे नाल किन्निया मुहब्बत करना मैं तुहाडे नाल किन्ना प्यार करना वा ते मेरे आपका फरमांदे ने मुआज गल सुन ले अगर तू दुनिया च मेरी अतात ते फरमा बरदारी करेगा जे मुत्तकी बन के रवेगा क्यामत वाले दिन तेनू अल्लाह पाक मेरे करीब कर देगा अल्लाह पाक तेनू मेरा साथ अदा कर देगा। इधर जनाब परवाने रुखसत कीता है वक्त गुजरता गया टाइम गुजरता गया वेला लंघता गया है ते मेरे आका सफर दा महीने सफर दे आखरी दिन ने असफर दे आखरी अयाम ने ते मेरे आका कब्रस्तान दे अंदर चले गए ए ओहद दा कब्रस्तान है ओहद दे मैदान दे अंदर जो शहादा शहीद होए सन मेरे आका इन्हां दीआं कब्रां ते पहुंच गए उत्थे जा के ते नाले दुआवां करदे ने पैंदाले जनाजा पढ़ाया गायबाना नमाजे जनाजा पढ़ाया गया है मेरे आका ने जनाजा पढ़ाया नाले दुआ की तो वापस आए ना वापस आके ते मस्जिद नबवी दे मिंबर ते बह गए ते मेरे पैगंबर ने अपने सहाबिया नो अपने नौकरा नो जमा फरमा लिया इकट्ठिया कर लिया ते मेरे आका ने इस मौके ते फिर खुतबा इरशाद फरमाया मेरे नबी पाक ने फिर इस ਕਿਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਤਬਾ ਬਿਨ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਹਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀ ਸਿਹਾਬੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬਕੀ ਦੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਰਮਾਇਆ ਮਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਇਲਾ ਰਸੂਲ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲੀ ਰਸੂਲ ਆਫਾ ਇਮਾਤਾ ਔ ਕੁਤਿਲਨ ਕਲਬ ਤੁਮ ਅਲਾ ਅਕਾਮੀ ਗੁਮ ਵਮਈਯਨ ਕਲਿਬ ਅਲਾ ਅਕਿਵਈ ਫਲਈਯਾ ਜ਼ੁਰ ਅੱਲਾ ਅਸ਼ਈ ਅਲ ਅਜ਼ਾ ਯਜ਼ਿਲਾ तवज्जो करना इधर मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मुहम्मद सारे आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मेरे आका ने इस्सलातु वस्सलाम मेरे आका जन्नत बगीचो जिने मेरे दुआ करके ना ते सीधा हजरत अम्मी आयशा को ला गए अपनी ज़ौजा आयशा को लाए ना ते मेरे आका घर दे अंदर आए हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका दे लागे बह गए हजरत अम्मा जी आयशा इंज लगदे जिवे तबीयत ना साज ना साज ते मेरे आका फरमांदे ने आयशा गल इंज लगता है जिमें तेनों को परेशानी है कोई मसला है ते अम्मा दी आशा फरमांदियां ने सोने मेरे सर दे अंदर दर्द हो रहा है मेरे सर नूं तकलीफां ने मेरे सर दे अंदर दर्द हो रहा दर्द दुखदा पिया ए जदों अम्मा जी आशा ने इनी गल कीती ना ते मेरे आका फरमांदे ने प्यारी आयशा
मेरी प्यारी जोजा, ए मेरी प्यारी आयश, मेरी प्यारी ओमेरा। मेरे आका परमाते ने आशा तेरे नालों बद के मैं मुहम्मद दे सर च दर्द हो रहा है। नबी पाक ने नी गल की दीना हजरत आशा परमातिया ने मेरे सर दिता जी मेनू बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ होंगी है भाई। मेरे आका मुहब्बत भरिया गल्ला कर दे जे पे, मेरे आका प्यार भरिया गल्ला कर दे ने पे। हजरत अम्मी आशा नू फरमा देने हरमाया आशा अगर तू इसे दर्द विच फौत हो जाए ते याद रख मैं तेनू गुसल भी आप दिया आशा, मैं तेनू कफन भी आप पहनावा, मैं तेरा जनाजा भी आप पढ़ावा, तेनू कबर विच भी है आप उतारा। हजरत अम्मी आशा फरमांदिया ने सोने तुसी ते अगे ही चाहते हो ऐशा फौत हो जाए ते मैं को नवी बीवी ले आवा, ते मेरे आका फरमांदे ने वाह भोली ऐशा इस वेले भी ओ गल कीती आ किवें दी गल कीती है। इधर जनाब नबी पाक दे दर्द जे इजाफा हुंदा जा रहा है, तकलीफ वधदी जा रही है, मेरे आका नूं बुखार होना शुरू हो गया है। इधर तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इधर दर्द शुरू होया, दर्द मामला शुरू हो गया है, तकलीफ बढ़ती जा रही है, बुखार होता गया, बुखार वधदा गया है। मेरे आका अली सलातों सलाम बुखार होया ना। इधर जनाबे वाला नबी पाक ने फरमाया हजरत मुवहबा रजी अल्लाह तआला अन्हो मेरे नबी दा सहाबी है, ये रवायत कर दे ने मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना, अल्लाह पाक ने मेनू अख्तियार दे छड़िया है, अल्लाह पाक ने मेनू अख्तियार दिता है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तुहाडे सामने एक जन्नत ते मेरी मुलाकात है, दूसरे पास दुनिया है। हरमाया इना दुआ चो जेड़े मर्जी दो रस्तिया नू पसंद फरमा लो। ते मेरे आका फरमांदे ने मैं रब दिया जन्नतों नू, मैं जन्नत ते रब दी मुलाकात नू पसंद कर लिया है। मेरे आका फरमांदे ने मैं अल्लाह पाक दी मुहब्बत ते मुलाकात पसंद कर लिया। लाहौर वाले हो इदा गिरदौन वाले हो किताबो सुनत दे परवाने हो, इतने मैं होर भी गल कहांगा यार। मैं थे इतराज मुकाना चाहना एक गल का, क्योंकि अक्सर साढ़े प्राण देने वेखो जी अहले हदीस ये जनाब नबी पाक की मौत की गल करते ने, मौत का लफज बोलते ने, एक गुस्ताखियां करते ने, तुहीन करते ने। मैं इस गल इतराज मुका जाना चाहना वा, मैं इस गल दा रौला मुका जाना जाना। ओ अहले हदीस ओ असी ते तां ए मौत दा लफज इस्तेमाल करने आ, क्योंकि सोहिया कुरान ने मौत दा लफज बोलिया, अंबिया दे बारे लफज बोलिया, मेरे नबी पाक दे बारे लफज बोलिया। और इस कुरान नु नाजल करन वाला कौन है, और इनो भेजा मेरे अल्लाह पाक ने वे, यानी के मेरा रहमान। नबी पाक दे मौत दे तज़किरे कर दे प्यार, नबी पाक दी नबी पाक दी वफात दा जिक्र अल्लाह पाक कर दे ने। मैं यार मैं ते आना ए सारे दा सारा कुरान ए ते आया ही
मेरे पैगंबर दी शान विच मेरे पैगंबर दे मुकाम विच कुरान आया है। और कुरान च तोहीन नहीं हो सकती, ये तोहीन नहीं होया सकती हो सकती। और सोनिया क्योंकि मौत दा लफज मेरे आका ने भी बोले है, अपनी वफात दा लफज मेरे आका ने भी बोले है। और कुरान आंदा है फरमाया मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रुसुल अफा इम्मा ताओ कुतिलन कलब तुम अला अकाबिकुम वमैयन कलिब अला अकिबई फलैया दुर्रल्ला अशैयन वसयज जिल्ला उस्षाकिनिर। ये लफ़्ज़ दे कुरान ने नी बोले है। और सोने आप कुरान नबी पाक दी शान च आया है, बल्कि नबी पाक दी अजमत रिफत दर्जिया च इजाफा करदा पिया, नबी पाक दी हमदो सना बयान करदा पिया। अल्लाह अल्लाह सोनिया ये नबी पाक दियां शाना च आया है, कुरान तो हीन नहीं हो कर सकता। ते इधर मेरे आका इस तरह सर च दर्द ते बुखार वधदा जा रहा है, एक बंदे बराबर दो बंदियां बराबर बुखार हो रहा है। इधर अज वारियां हजरत मैमूना मेरी तेरी रूहानी अम्मा नाल, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर ए वफात तो पांच छे दिन पहले दियां गल्लां ते मेरे आका दी उत्ते उत्ते जनाब मेरे पैगंबर ते बार बार खुशी तारी हो रही है, मेरे पैगंबर ते बेहोशियां तारी हो रही ने। ते मेरे आका बार बार होश आउंदे न जदों, ते मेरे आका पुछदे ने अज वारी किजिए, अज मैं किदे घर जाना है, अज मैं किदे वल सोना है। मेरे आका बार बार पुछदे ने पै, मेरे आका बार बार अपनियां अजवाज नू पुछदे ने पै। ते इधर से हम इधर नबी पाक दियां अजवाज ने आपस च सलाह मशवरा किया कि नबी पाक जा रहे ने कि हजरत आशा दी वारी किदन है, नबी पाक ये पूछना जा रहे ने। ते इधर तमाम अजवाज ने आपस च मशवरा किया, आपस च सलाह करके कि नबी पाक नु हजरत अम्मा जी आशा दे घर च पहुंचा दिता जावे। और लाहौरियो मशवरा किया गया है सलाह करके ते हजरत मेरी तेरी अम्मी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरा च पहुंचा दिता गया। इधर जनाब मां ऐशा दा हुजरा मेरे आका इत्थे आ गए। इधर जनाब तकलीफा बड़िया ने, इधर दर्द बड़ा है। हजरत अम्मी ऐशा नबी पाक दिया खिदमत कर दिया ने पईया, नबी पाक की सेवा कर दिया ने पईया। ते मेरे आका फरमाते ने ऐशा एक काम करो ना, मेनू बुखार बड़ा, तबीयत बड़ी नासाज है, बीमारी च बड़ा इजाफा हो गया है। हुजूर फरमाया करदे सन आम बंदे दी निस्बत अंबिया नूं डबल तकलीफ हुंदी है, अंबिया नूं डबल बुखार होया करदा है। ते नाल मेरे आका फरमाया करदे सन अंबिया नूं अजर वी दोहरा अता कीता जांदा है, नबी पाक दे दर्द बड़ा तकलीफ बड़ा। आका फरमाते ने ऐसा इंज करो ना, सत मस्कीजियां दा पानी लियांदा जाए, सत मस्कीजियां दा पानी जमा कीता जाए। सत मस्कीजे ऐसे होन और जिन्हां नूं पानी भरम दे बाद उन्हां नूं जनाबे वाला खोलिया ना गया होवे, ओ मेरे वास्ते लै आओ, मेरे ते पानी बहाया जाए। लाहौरियो गल समझिया जे, ये सारियां गल्लां मैं तेनों पैदल खबरों सुना नहीं आया, ओ एक गल्लां तेनों बुखारी ते मुस्लिम दियां रवायतों सुनाना पिया। इधर मेरे आका
खुदा ने जदों हुक्म दिता मशकीजे ले आओ मेरे ते पानी बहाया जाए। हजरत फारूक आजम दी बेटी हजरत अम्मा जी हफ्जा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां कोल एक बहुत बड़ा टप सी, उस टप दे अंदर मेरे आका नूं बिठा लिया गया है। उत्ते उत्ते पानी बहाया गया, पानी बहाया गया, सात मस्कीजियां दा पानी बहाया गया। नबी पाक दी तबीयत संभल गई, नबी पाक दी तबीयत जरा बेहतर हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम इधर जनाब जदों तबीयत संभली ना ते मेरे आका जोहर दा टाइम ते आका मस्जिद नबवी में आ गए। मस्जिद नबवी च आए ते सहाबा कच्चा खच मस्जिद नबवी दे अंदर ने। सहाबा परेशान भी ने कि साडे आका बीमार हो गए ने, आका की तबीयत खराब हो गई है, आका दर्द दे अंदर ने, तकलीफ दे अंदर ने। ते मेरे आका ने ते सहाबा नू फिर जमा जमा करके मेरे आका ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमांदे ने लानत करे अल्लाह यहूदियां ते ईसाइयां ते, लानत करे और जिन्ना अंबिया दियां कबरां नू इबादत गाह बना लिया। मेरे आका दे कहण दा मकसद ए सी, ओ मेरे परवानियो, ओ मेरे जान ते बाद तुसी मेरे रोजे नू इबादत गाह ना बना लिया जे। मेरे आका ने ते गल्लां बड़ियां कीतियां ते नाले मेरे आका इस मौके ते फिर फरमांदे ने, फरमाया सहाबियो एक बंदे नू अल्लाह पाक ने अख्तियार दे छड़िया है, उहदे सामने दो रस्ते कीते ने। एक रस्ता जनाब ए दुनिया वाला है, ओ जावे ते दुनिया नू पसंद कर ले, ओ जाए ते अल्लाह पाक दी मुलाकात ते जन्नत नू पसंद कर ले। ते मेरे आका फरमांदे ने उस बंदे ने अल्लाह पाक दी जन्नत ते रब दी मुलाकात नू पसंद कर ले। इनी गल की ना लाहौरी ओ खुदा की कसम मेरे सिद्दीक दिया चीखा बुलंद होइया, अबू बकर आंसू बहान लग पे। हजरत अबू बकर रोन लग पे, आंसू बहाई जा रहे ने, ते लागे सहाबा बैठे होए ने। सहाबा चो कई सहाबा आंदे ने, अस बुड्ढे बाबे नूं पता नहीं की हो गया है, ये रोन क्यों लग पे है। अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं सहाबा इनी गल कहन लग पे, ते मेरे अबू बकर फरमाया करदे सन, फरमांदे ने मैनूं पता लग गया कि आका अपनी मौत की खबर सुना रहे ने, आका हुण सानू छड्डन वाले ने, जुदाइयां पैन वालियां ने। ओए आखरी यार सी ना वफादार सी ना वफाशार सी ना, ओ मेरे पैगंबर ते नाम जिन्ने सारी जिंदगी लगाई है, और जान दे लाहौरी ओ ए मेरे पैगंबर दी ओ सहाबा सन, और जेड़े नबी पाक नू वेख वेख के ते जिंदा सन, नबी पाक नू वेख वेख के ते जिंदगियां गुजार रहे सन। ओ किसे अपने मां बाप छड़े सन, किसे अपनिया औलादा छड़िया सन, किसे अपनिया बीविया छड़िया सन, किसे अपने माल ते बादशाह छड़िया सन, और किसे जनाब परदेस जदों बंदा आए ना और बड़ा दुखी होया करदा, जे लोग बड़ा दुखी होया करदा। ए मेरे नबी ते जान सार इत्थे अपने आका दे मुरीद बन के ते रह रहे सन, और मैं ते कहा करना, और नबी पाक जे सहाबा कायनात जे सब नालों ज्यादा मेरे तेरे मुर्शिद पाक ना मुहब्बत करन वाले सर। ओए आ उना दी मुहब्बत दा अंदाज चेक कर ले, उना दी मुहब्बत ते उल्फत ते चाहत ते वफा दा अंदाज चेक कर ले। मैं पूछना चाहना क्या नबी ते सहाबा उना मुहब्बत कीतियां? हर बंदा मनदा है ओ सब नालों ज्यादा नबी पाक ना मुहब्बत करन वाले सर। ओ मैं तुहानू पूछना चाहना यार दसो ना, किसे भी परवाने ने, किसे भी यार ने, किसे भी नौकर ने, किसे एक दिन दे अंदर 12 रबीउल अव्वल नु किसे जश्न मनाया होवे?
किसे ईद दा इत्माम कीता वे सोनिया फिरका बरजत दी गल नहीं मुहब्बत ना गल सुझा रहा वा ए दर्जना पे वाला सहाबा इकराम ने मुहब्बत ते कीतिया पर नबी पाक तो नबी पाक दी सुन्नत ते चल के कीतिया अताअत करके कीतिया वफा करके कीतिया इधर मेरा हजरत अबू बकर सिद्दीक आसो बहार है ते सहाबा दिन सिद्दीक दे एवें ही रोई जा रहे ने अबू बकर ते एवें आंसू बहाई जा रहे ने अबू बकर ते रोंदे सन बह के आका दी मौत दा इशारा हो रहा है इधर मेरे आका ने खुतबा दिता है ते मेरे आका घर दे अंदर चले गए घर दे अंदर गए ना और जुमे रात दा दिन ने नबी पाक ने एक कागज ते कलम मंगवाया कागज कलम मंगवा के ते कुछ लिखिया इधर जनाब सोत दा टाइम होया नमाज दे टाइम फिर तीन नसीहतां गिनियां उधर मगरब दा टाइम आखरी नमाज जेरे नबी पाक ने आप पढ़ाई है ओ मगरब दी नमाज जुमे रात दा दिन उधर जनाब इधर मगरब दी नमाज पढ़ाई ते घर दे अंदर आ गए ते नबी पाक दी तबीयत खराब होन लग गई ओ तबीयत नासाज होई तबीयत बड़ी बिगड़ गई है ते मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम इशा दा टाइम होया ना ते सारे सहाबा इंतजार करते ने पे आका आउण ते आके ते नमाज पढ़ाउण आका और सहाबा इकराम नबी पाक दे हुजरा मुबारक वल अखां टिकाइयां होईयां नबी पाक दा इंतजार करते ने पे ओए लाहौरियो अपने आका अपने पीर बदरे मुनीर दा इंतजार करते ने पे उधर मेरे आका बार बार उठते ने ते बेहोश हो जांदे ने गशियां तारी हो जांदियां ने ते मेरे आका नूं होश आया ते मेरे आका फरमांदे ने ए प्यारी ऐशा ए ते दसो ना सहाबा ने नमाज पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी हजरत अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने सोनिया तुहाडा इंतजार करदे ने पै सहाबा तुहाडियां रावां वेंदे ने पै ते मेरे आका फरमांदे ने मुरु अबा बकर फल युसल्ली बिन्नाज फरमाया अबू बकर नु आखो लोगा नु नमाज पढ़ा दे मोहम्मद च हिम्मत नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद ना परवाने आने सारी जिंदगी नबी पाक दे पीछे नमाज़ां पढ़ियां आज मेरे आका ने हजरत अम्मा जी आयशा नु फरमाया आयशा जाओ ना हुक्म दियो अब अपने बाबा नु कहो अबू बकर नु कहो नमाज पढ़ा दे हजरत अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने ए मेरे सर दे ताजी मेरा वालिद बड़े नरम दिल वाले बड़े नरम तबीयत वाले सोनिया मेरे बाबा नु ना कहो के नमाज पढ़ान मेरे अबू जे हिम्मत नहीं जे हतियां रानियां नु अपने बाबा दी तबीयत दा पता हुंदा लाहौरिया इधर हजरत अम्मी आयशा फरमांदियां ने आका जी मेरे अबू दा दिल बड़ा नरम है मेरे बाबा तुहाडा मुसल्ला खाली वेखणगे ते नमाज पढ़ा नहीं सकणगे सोनिया किसी होर नु कह दियो हफसा दे अबू नु कह दियो ते मेरे आका फरमांदे ने आशा मैं जूते नु कह तू अबू बकर नु कह नमाज पढ़ा दे हाय हाय अबू बकर तेरे नाल आका प्यार कर दे गए तू नबी पाक ना प्यार करदा गया मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर नु कहो नमाज पढ़ा दे हे दर्जनाब मेरे अबू बकर सिद्दीक ने ओए आंसुआ दी बरसात च नमाज पढ़ाई होवेगी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई है ते जनाब मेरे अबू बकर ने नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर 17 नमाज़ां पढ़ाइयां ने 17 नमाज़ां पढ़ाइयां ते लोगों मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम बार बार अपने हुजरे दे अंदर ने ते बार बार एक गल करी जा रहे ने मेरे आका फरमांदे ने लोगों लानत करे अल्लाह यहूदियां ते अंसारियां दे ते नाल मेरे आका फरमांदे ने लोगों ओ दुनिया वाले
फरमायो कायनात लुको असलात 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 आका फरमाते नो लोको मेरे जाम दे बाद नमाज दा ख्याल रखिया जे नमाज नमाज कायम करके रखिया जे मेरे आका बार बार नमाज दा जिक्र कर देने बै ते नाल मेरे आका फरमाते नो मेरे ओ दुनिया वाले ओ कायनात लुको ओए मेरे इना गुलामा दा ख्याल रखिया जे गरीबां ते मस्कीना दा ख्याल रखिया जे मेरे आका आखरी टाइम ते अपनी जुबान ते वे फिकर पई है कि मेरी उम्मत नमाज दा ख्याल करदी रवे उम्मत नु जश्ना दी पै गई है उम्मत जश्न दे चक्करां च ज़ुहर भुल जांदी है उमर जश्न दे चक्करां च असर भुल जांदी है उम्मत जश्न दे चक्करां च मगरब भुल जांदी है उम्मत जश्न दे चक्करां च इशा भुल जांदी है और जश्न नहीं फिर उस दिन जिदन मेरे आका इस जग तो रुखसत हो गए लोगो ओदा टाइम लंघता गया सतारा नमाजा पढ़ाइया ने मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते एक दिन जनाब उधर जनाबे वाला हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत फातिमा अपने बाबा नु मिलन वास्ते आईया मेरे आका कोल आईया ते मेरे आका ने फरमाया मेरी ये धीए उरा मेरे लागे आ जा हजरत सैयदा फातिमा नु अपने खब्बे पासे बिठा लिया ते मेरे आका फिर फरमांदे ने फातिमा इंज कर इधर मेरे सज्जे पासे आ जा हजरत फातिमा नु अपने सज्जे पासे बुलाया ते बिठा गए ते मेरे आका ने कान दे अंदर को गल कीती है हजरत फातिमा जारो कितार रो पईया ओ धीआं कोलो मापियां दीआं तकलीफां वाला किथे वेखियां जांदियां ने ओ बेटियां कोलो वाला अपने मां बाप आका ते बेटी भी फिर फातिमा होवे ओ बाप फिर मुहम्मद मुस्तफा होवे ओ जिदी जुदाई ते बीमारी वेख के ओला मासू बांदे ने पै ओए ओते फिर बेटी सी ओते फिर मेरे नबी दी धी सी हजरत फातिमा रोन लग पईया ते मेरे आका फरमांदे ने फातिमा एक बार फिर मेरी गल सुन इशारा कीते हजरत फातिमा करीब होया ते मेरे आका ने फिर को गल कीती ते सैयदा फातिमा अपने मुस्कुरान लग पईया हजरत अम्मी आशा इस गल नु रवायत करदियां ने अरमानियां ने मैं बड़ी हैरान हो गई पता नहीं आका ने की गल कीती है पता नहीं आका ने की फरमाया पता नहीं नबी पाक ने की इरशाद फरमाया ते नबी पाक इधर हजरत फातिमा ने सरगोशियां की दिया और लोको सैयदा फातिमा ने बाद विच दसिया के आका ने पहला मैनू करीब बुलाया हुजूर फरमाते ने फातिमा पुत्र फातिमा बेटा मैं उन्हें कायनात तो चलिया जाने पुत्र तेरिया मेरिया जुदाइया भैन वालिया ने फातिमा हुण मेरी तेरी जुदाई भैन वाली है फातिमा हुण मैं इस जग तो टुर जाना है हजरत फातिमा फरमांदियां ने मेरे कोलों संभलिया ना गया हाय हाय और जिस धी दी मां बचपन च टुर गई ते अज बाप भी जा रहा क्यों ना रोवे हजरत सैयदा फातिमा रोन लग पईआं उधर मेरे आका ने जदों दोबारा बुलाया ना ते आपा फरमा सैयदा फातिमा फरमांदियां ने अब्बू फरमांदे ने फातिमा पुत्र रो ना आंसू ना बहा फातिमा मेरे जाम दे बाद मेरे खानदान विचों मेरे नाल जन्नत च सब तो पहला तेरिया मुलाकातां होंगियां इधर फातिमा अपने बाबा कोल बैठियां लोको टाइम गुजरदा गया वेला गुजरदा गया ते उधर मेरे आका सलात वसला आखरी दिन ने आखरी दिन ने ते मेरे आका इस तरह अपने सहाबा इकराम रिजवान लाही अजमईन इधर जनाबे वाला तबीयत जरा संभली है हजरत फजल बिन अपा ते हजरत अली दे कंधियां ते हाथ रख के चलिया नहीं जा रहा ते मेरे आका नमाज वास्ते जा रहे ओ मेरे पैगंबर दे पैर कसीट दे
जा रहे ने, जमीन ते जनाब निशान छाड़ दे जा रहे ने। मेरे आका अपने जान सारा ते कंधिया ते सहारा लेके ते मस्जिद नबवी च जा रहे। आखरी वक्त तक नमूना पेश कीता है कि नमाज नहीं छड़नी, नमाज तो पीछा नहीं हटना। इधर मेरे आका मस्जिद नबवी च आए ते नमाज पढ़ी, ते नाले जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक उते नमाज पढ़ा रहे सन। जदों मेरे आका मस्जिद दे अंदर आए ना, हजरत अबू बकर पीछे आन लगे। आका फरमा देने ना, अबू बकर अपनी थां ते खलोता रहे ते मेरे आका अपने अबू बकर याद दे खब्बे पासे आके ते खड़े हो गए। हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ा, नबी पाक ने नमाज पढ़ाई है, इक्तदा की अबू बकर दी। अबू बकर ने उम्मत नु नमाज पढ़ाई है, सहाबा हजरत अबू बकर दे पीछे नमाज पढ़ ले, अबू बकर अपने आका दे पीछे नमाज पढ़ ले। इन्हां सारियां गल्लां च हिकमत सर, मेरे आका अपने अपने यार नो अपने बाद खिलाफत और खलीफा मुकर्र कर रहे सन। इशारा सी ध्यान करिया जे, उधर मेरे आका घर दे अंदर चले गए। सहाबा मिले बड़िया मुहब्बतां दे नाल मिले ना, मेरे आका घर दे अंदर चले गए। उधर सोमवार दा दिन ओ 12 रबीउल अव्वल दा दिन, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनहु इस रवायत दे रावी ने, ओ फजर दा टाइम ते मेरे आका दे सहाबा मस्जिद नबवी जमा होए ने। मैं ते आना नबी ते सहाबा नू नींद नहीं पैंदी होवेगी, इस गल तो चैन नहीं आउंदा होएगा कि आका दी तबीयत ना साजे, आका दी तबीयत खराब है। फजर दा टाइम तू ते सुता होना ना, नबी ते सहाबा फजर दा टाइम ते मस्जिद खचा खच भरी हुई है, उधर नमाज हो रही है। मेरे आका तबीयत जरा संभलिए, ते मेरे आका ने अस्तना इंज अपने हुजरे मुबारक की चादर नु परा कीता, चादर परा कीती ते सहाबा ते नजरां पईयां। सहाबा नमाज पढ़ते ने पे, मेरा अबू बकर नमाज पढ़ा रहा ते मेरे आका वेख के ते मुस्कुरा पे। मेरे आका अपनी उम्मत नु अपने गुलामां नु वेख के ते मुस्कुरा पे। और जाने जदो माली अपने बाग नु हरा भरा ते फलदार वेखे, ओ खुशी नाल आंसू निकल आंदे ने। मेरे आका ने वेखिया अखां खुशी नाल चमक उठियां होण गियां, तबस्सुम फरमा रहे मुस्कुरा रहे। उधर से आपा ए खतरा सी, नबी पाक जदों एन चादर उठाई ना, सहाबा नु बड़ी खुशी होई, पूरी मस्जिद नबवी दी अंदर खुशी दी लहर दौड़ गई है। मेरे आका दे सहाबा इन्ने खुश होए के खतरा सी किते नमाज तोड़ के ते नबी पाक वल मुतवज्जे ना हो जान। इधर सहाबा नमाज पढ़दे ने पे, मेरे आका ने ओ चादर नु छोड़ दिता, ए पर्दा छड़ दिता, अपनी जगह ते आ गया लाहौरियो। उस दे बाद दोबारा मेरे पैगंबर ने उस चादर नु नहीं उठाया। ओए उस रस्ते जो उस पर्दे नु परा करके आका मस्जिद नबवी च आया घर दिसण। उस दिन दे बाद मेरे आका ने उस दुपट्टे नु उस पर्दे नु परा नहीं कीता। उधर मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम जदों अंदर चले गए, वक्त गुजरिया, सहाबा ने नमाज पढ़ ली, ते मेरे पैगंबर दे दमाद हजरत मौला अली शेरे खुदा मेरे आका दी तिमारदारी वास्ते चले गए। आका दे लागे जाके बह गए, गल बात कीती ना, बार आए, बार जनाब लोग इंतजार कर देने पे। हजरत अब्बास ए चचा सन, हजरत अब्बास इंतजार कर देने पे, हजरत मौला अली नु मिले। हरमान देने आ भाई अली की हाल आका दा, किस हाल च ने? हजरत अली फरमान देने आका दी तबीयत कदरे हुण बेहतर, आका अगे नजर ठीक ने। ते हजरत अब्बास फरमान देने अली
कंधियां ते हाथ रखिया। हरमाया अली उराए नजरा सैड ते मेरी गल सुन लेना। हाय हाय हजरत अली नु सैड ते कीता। हरमांदे ने यार अली मैं बनू हाशम दे लोकां नु बड़ी अच्छी तरह जानना वा। बनू हाशम दे कबीले ते इफराद इन्हां दी मौत तो पहले तबीयत बिल्कुल बेहतर हो जांदी है। जदों तबीयत ठीक हुंदी है ते नाल ही मौत दा पैगाम आ जांदा है। हजरत अली नु इन्नी गल कीती। हजरत अली पड़े जनाब ए खुश खुश बाल आए सन ते गमगीन हो गए। जदों इन्नी गल दा पता लगाना इधर लोको टाइम गुजरिया वेला गुजरदा गया टाइम लंघदा गया है। इधर जनाब हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अनहा इधर जनाब नबी पाक दे कोल ने हजरत आयशा कोल ने उधर जनाब सोमवार दा दिन 12 रबीउल अव्वल दा दिन उधर फजर तो बाद अली मिल के गए। सूरज तुलू होना शुरू होया है। सूरज तुलू होने दे बाद मेरे आका दी तबीयत दोबारा खराब होन लग पई। मेरे आका ते बीमारी बदन लग पई। तबीयत ज्यादा नासाज होन लग पई है। वक्त गुजरदा गया टाइम गुजरदा गया और तारीखी रवायात दे अंदर आउंदा है मेरे आका इस तरह बाद बुखारी दियां रवायतां च भी मौजूद है। मेरे आका ते तीन यमनी चादरां दित्तियां गईयां ने हुजूर ने अपने उत्ते लईयां। नबी पाक इस तरह इतनी बेचैनी मेरे मुहम्मद पाक नो बेचैनियां बेचैनियां दिल च घुटन हुंदी है। मेरे आका चादर कदी अपने चेहरा अनवर ते लिल लैंदे कदी आका चेहरे तो चादर ला देंदे कदी उत्ते लिल लैंदे कदी ला देंदे। करीब ही एक प्याला पिया पानी दा मेरे आका इतने बेचैन ने हुजूर अपना दस्ते मुबारक उस पानी दे प्याले च रख रख के बार बार अपनी पेशानी ते लांदे ने पै। दिन 12 रबीउल अव्वल दा है आका बार बार पेशानी ते पानी लांदे ने पै। ओ लोको वक्त लंघदा पै नाले मेरे आका दुआवां करदे ने पै। आ फरमांदे ने अल्लाहुम्मा इन्नी सकरातुल मौत। मेरे आका दुआवां करदे ने पहला मौत दियां सख्तियां तो मैं तेरी पना तलब करना वा। नाले आका दुआवां करी जांदे को होर वैर जे हुंदा है। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अनहा रात दा टाइम है। बात तारीखी रवायात दियां गल्लां तुहानूं दसण लगा वा। हजरत फातिमा अपने बाबा कोल नाले आंदियां ने पहाए मेरे बाबा दियां तकलीफां हाए मेरे अबू जी दियां तकलीफां। ते मेरे आका फरमांदे ने फातिमा पुत्र अज दे बाद तेरे अबू दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां। अज दे बाद तेरे बाबा दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां। उधर जनाब बार बार दरवाजे ते दस्तक हुंदी है दरवाजा खटकदा है। हाय हजरत फातिमा दियां ने पता नहीं कौन है जिहड़ा बार बार दरवाजा खटखटांदा है। इन्हां नूं पता भी है मेरे अबू जी आराम करदे ने तबीयत खराब है। ए बार पता नहीं कोई अजमी कोई इराबी आया है। इधर मेरे आका फरमांदे ने माया फातिमा फातिमा आसमान तो जबरीले अमीन आया है। हर मांदे ने सोनिया अपनी बेटी नू दसो आज बार कोई इरादी नहीं आया आज बार कोई अजमी नहीं आया आज बार मलकुल मौत खड़ा है मलकुल मौत खड़ा है। हाय हाय मौत दा फरिश्ता गणाए सोनिया दसो ना ए मलकुल मौत कदी किसे दिया इजाजत नहीं लिया करदा ए कदी किसे कोलों पूछ के नहीं आया करदा। पर अल्लाह पाक ने फरमाया सी मलकुल मौत गल सुन ले जदों मेरे पैगंबर दे लागे जावे ना मेरे महबूब दे बेड़े जान तो पहला मेरे महबूब कोलों इजाजत लवी इजाजत मिलन ते अंदर जावे ना इजाजत मिलन
ते ओंजी बार आ जावी ओंजी वापस आ जावी। हाय हाय आका फरमांदे ने फातिमा पुत्र आज बार को एड़ा भी नहीं आया, आज बार को अजमी नहीं आया, आज ते बार ओ आया जेड़ा बच्चियां नू यतीम कर जांदा है, आज ओ आया जेड़ा बुड्ढे मां बाप को जवान पुत्र ले जांदा है, खो के ले जांदा है। आज बार ओ आया जेड़ा मासूम बच्चियां को मावां दा साया खो के ते ले जांदा है, आज ओ आया जेड़ा मासूम कलियां रानियां ते तियां को बाप दा साया उठा के ले जांदा है। आज ते बार मला कुल मौत आया है उधर इजाजत दे दितियां बारह रबीउल अव्वल दा दिन ते मेरे आका नाले फरमांदे ने बै हजरत अम्मा जी आशा फरमांदियां ने नबी पाक ने अपना सर मुबारक है सुना मेरी गोद च रखिया होया गोदे अम्मी आयशा गोदे अम्मी आयशा ज सर मुबारक मेरे महबूब दा आखरी वक्त दे ते अम्मा जी आशा फरमांदियां ने असरा मेरे वीर अब्दुल रहमान बिन नबी बकर असरा अंदर आए ना जदों अंदर आए ते मसवाक कर दे सन पे आका ने अज वेखिया वक्त ज्यादा हो जाए तर गुजर करे आज यार मैं गल मुकम्मल करनी जाना वा इधर जनाबे वाला नबी पाक दियां नजरां पईयां ए मसवाक कर दे पिया मेरे आका नु मसवाक नाल प्यार बड़ा सजे ते मेरे आका वेखी जांदे ने पे तक्की जांदे ने पे अम्मा जी आयशा मेरे पैगंबर दी वफावां वाली बीवी समझ गई कि आका मसवाक करना जा रहे ने अपने वीर नु बुलाया मसवाक लईए मसवाक लेके ते आका नु दित्ती ते मेरे आका कोलों कीती ना गई फरमाया आयशा इनू नरम करके दे ना इनू नरम करके दे ओ लोको एनी एनी बीमारी मेरे पैगंबर ते के मसवाक नहीं चुबाई जा रहे हजरत अम्मी आयशा ने मसवाक अपने दंदा च रख के चबा के ते नरम करके अपने आका अपने सर दे ताज नु बेज कीती है ए लुआब भी जमा हो गया इजाज आयशा हाय हाय नबी पाक ने मसवाक कीती है हजरत अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने चाशत दा टाइम ते आका ने ऐसरा अपना हाथ मुबारक शहादत वाला ऐसरा आसमाना दी तरफे कीता होया है नाल मेरे आका फरमांदे ने पे اللهم بالرفيق الاعلى اللهم بالرفيق الاعلى اللهم بالرفيق الاعلى اما جی آجا فرماندیاں نے اے پڑھدیاں پڑھدیاں آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا تے فاطمہ حضرت فاطمہ لاگے بیندیاں نے پیاں ادھر حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ اج میرا سہاگ اس جگ تو رخصت ہو گیا आज मेरा सुहाग इस कायनात तो रुखसत हो गया है आज आयशा दे सर ते ताज मुहम्मद करीम इस जग तो चले गए चाशत दा टाइम 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल सोमवार दा दिन लोको हजरत आयशा फरमांदियां ने मैं समझ गई कि आज बिलाल दे आका इस जग तो रुखसत हो गए ने नबी पाक इस जग तो चले गए हजरत सैयदा फातिमा लाके बह के आंसू बांदियां ने पईया रोंदियां ने पईया ओ लोको लाहौर वाले ओ मदीने च कोहराम मच गया इंज खबरां फैलियां कि आका इस जग तो तुर गए नबी दे परवाने को मनन नु तैयार नहीं वो अपने हवास खो बैठा कोई जनाब किसे कोने च लग के ते आंसू बांदा पिया किसे कोने च लग के ते रोंदा पिया हाय हाय उधर
हजरत अबू बकर सिद्दीक वडेरा बाबा हैंज जनाब किसे सफर ते गए सन इस तरह वापस आ रहे ऊंटनी ते सवार ने राज एक चराह चरवाहे नु वेखिया ओ डिगदा टिंगदा रोंदा धोंदा आ रहा है हरमान दे ने तेनू की बनया है मैं क्या अबू बकर तेनू की पता ज आका इस जग तो टुर गए ये चरवाहा आंदा अबू बकर जी आ जा मीना दे नाल तुहाडे ते मेरे आका इस जग तो रुखसत हो गए ने हजरत अबू बकर सिद्दीक आई निकलिया सीता अम्मा जी ऐसा दे हुजरे वाल अपनी बेटी दे हुजरे वाल चले गए जाके एज मेरे महबूब दे चेहरे ते यमनी चादर सुरख रंग दी चादर लोगो उस चादर ते ना को कलमा लिखिया है ते ना को और शै लिखी है ना अतल कुर्सी लिखी है यमनी रंग दी चादर है हजरत अबू बकर ने असरा उस चादर नु पीछे कीता नबी पाक दे चेहरे अनवर ते नजरां पईयां होणगियां और मेरे अबू बकर दी की कैफियत होवेगी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने ए मेरे आका तुसी इस जग तो टुर गए हो तुसा रब दी मुलाकात नु पसंद कीता है हुण तुहानू दो मौतां तुहाडे ते इकट्ठियां नहीं हो सकदियां हजरत अबू बकर सिद्दीक तो निकले ना बाहर निकले ते उमर चला होए उमर ने तलवार न्याम चो कढ ली ऐलान कर देंदे ने मदीने वालो जिन्ने ए गल कही ना कि आका इस दुनिया तो टुर गए ने ते उमर ओदी गर्दन उड़ा देगा ओदी गर्दन ला देवेगा हाय हाय हजरत उमर ए बार बार कही जा रहे वे उमर नाल रोई जा रहे है ते उधर अबू बकर आ गए मस्जिद नबवी दे अंदर कैफियत वेख सहाबा बच्चियां दी तरह रो रहे बच्चियां दी तरह ते कोई आंदा पे अबू बकर आज असी यतीम हो गए आका टुर गए आज असी यतीम हो गए इधर जनाब अबू बकर मिंबर ते बह गए तमाम सहाबा नु जमा कीता बैठा लिया ते उमर बैंदा नहीं पिया अबू बकर फरमाते ने यार उमर बह जा उमर बह जा उमर बैठ जा बैठ जा हजरत उमर फरमाते ने आका दुनिया तू नहीं गए अबू बकर आते ने यार उमर हौसला ते कर दिल कानू छोटा कर ले बैठ जाना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस मौके ते जनाबे वाला ए खुतबा इरशाद फरमाया है हरमांदे ने मन काना मुहम्मद मन काना मिनकुम या अब्दू मुहम्मद फइन्ना मुहम्मद कदमात हरमांदे ने ओ दुनिया वाले ओ कायनात लोगो हजरत अबू बकर ने इस मौके ते उम्मत नु संभाले है उम्मत नु दिलासा दिता है लाल कुरान दी आयत पढ़ते ने हरमांदे ने वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यनकलिबाला अकिबैही फलन यजुरल्लाह शैअन वसयज اللہُ شاکرین نالے قران دی ایت ابو بکر پڑھی جاندے تے نالے صحابہ نو سمجھائی جاندے نال میرے ابو بکر حوصلے دئی جاندے نے بے اے در جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول دا دن فاطمہ فرماندیاں نے ہائے حضرت فاطمہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے فرماندے نے اگر غم اتنے پہنچے نے इतना सदमा पहुंचे है कि अगर है सदमा अगर है गम दिना ते पा जांदा ते दिन स्या हो जांदे इतना सदमा है तमाम मदीने च तरीकियां सारे सहाबा बिखरे बिखरे में और मदीने च कोहराम मचया है लोगो 12 रबीउल अव्वल दा दिन जे ए दर जनाबे वाला आज जश्न मनाना होए किवें मना लेना है और रबीउल अव्वल फातिमा रो रही अबू बकर रो रहे हजरत अम्मी आयशा रो रही
आईया, मेरा पिलार रो रहा। ओ उमर अपने आवाज खो बैठे, मैं तेन पूछना चाहना यार मुहब्बत ते करने नबी दी यार जिदे ना मुहब्बत होवे अहले पैप ना मुहब्बत दे दावे ते करने। और जैसे घर ना मुहब्बत होवे बंदा ओते दुख सुख च शरीक हुंदा है, इत्थे ते दुश्मन ते घर च जनाब गमी होवे ते लोग गांदे ने यार अपनी खुशी छड़ दियो गम च शरीक होवो। ए ते फिर मेरे नबी दा घराना है, ए ते अहले पैप दा घराना है, ए ते सैयदा फातिमा दा घराना है। यार उस दिन हसनो हुसैन दे नाना दुनिया तो चले गए ते तू जश्न मनाना और चंडियां लाना है, नचदा ते टपना ते बाजारा च भजना है, नमाजा भी बोल जाना है। यार तेरा किवें दिल करदा इस दिन जश्न मनान, मनिया इख्तलाफे पर सोनिया जिते सुबह भी होवे नबी पाक दी वफात दी गल आ जाए ते बंदा दा सब कुछ बाद विच आका इस जग तो गए ने। इस दिन यार उस दिन किवें जश्न मनान ते दिल करदा, ओ किवें केक कट्टन ते दिल करदा, ओ किवें तेरा उस दिन जनाब ढोल बजान ते दिल करदा, ओ किवें घोड़ियां तू कढ़ना ए सोनिया। उस दिन बिलाल मदीना छड़दा ए प्यार, बिलाल मदीने जो जा रहा है ते किसी ने आख्या अबू बकर अज बिलाल भी छड़ के जांदा ही प्या। अबू बकर दौड़े गए, ओ बिलाल रुक जाओ ठहर जाओ किधर जा रहे है। हजरत बिलाल आंदे ने अबू बकर जी मैं इत्थे रहना नहीं हुण, हर माया गल की है। बिलाल आंदे ने किदे वास्ते रवा, अगे अजाना पढ़दा सा आका दा मुखड़ा तकदा सा ते दिल नूं चैन आ जांदा सी, मैं ते आका वास्ते ते रह रहा सा। हुण मैनूं आका दा मिंबर खाली नजर आंदा है, हुण मैनूं आका दा मुसल्ला खाली नजर आंदा है, ते मेरे कोल अपने आप नूं संभलिया नहीं जांदा, मैं किवें रवां। हजरत अबू बकर फरमांदे ने यार बिलाल ना छड़ के जा, गम अगी बड़ा है, अगे आका दियां जुदाइयां ने, हुण तू वी छड़ के ते जा रहा है। हजरत बिलाल आंदे ने अबू बकर जी तुसां मैनूं रिहा करवाया सी, ए दसो आजाद कीता सा जां गुलाम बना लिया सा जे। फरमांदे ने जे ते गुलाम बनाया सा जे ते गुलामां दियां अपनियां मर्जियां नहीं होया करदियां, फिर मैं इत्थे ही रह लेना, जे आजाद कीता सा जे फिर मेरे कोल इत्थे नहीं जे आ जांदा। हजरत बिलाल ने लोको मदीना छड़ दिता, यार बिलाल नालों वड्डा तू मोहब हो गया, और बिलाल नालों वड्डा दीवाना हो गया। जिस बिलाल ने इस गल तो मदीना छड़ दिता कि बारह रबीउल अव्वल नूं आकाश दुनिया तो टुर गए, यार ना ओ ना ए जुल्म ना कमाया कर, जश्न ना मनाया कर, हजरत फातिमा के जख्मा ते नमक ना छिड़किया कर। इस दिन ते आका टुर गए, कुरान आंदा हर माया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रसूल अफा इम्माता औ कुतिलन गलब तुम अला आकाबिकुम वमैयन कलिबाला अकिबैही फलैया जुर्रल्लाह शैयन वसयज जिल्ला उश्शाकिर। बारह रबी जुल अव्वल ग्यारह हिजरी, ज्यादा उलमा दा इत्तफाक, आका इस कायनात नूं छड़ गए अल्लाह दी मुलाकात और जन्नत नूं पसंद फरमा लिया, सहाबा उम्मत ते मुहम्मदिया यतीम हो गए। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह पाक सानू नबी पाक नाल मुहब्बत सहाबा दी तरह करन दी तौफीक दे, सहाबा दी तरह खुशी, नबी पाक दी तरह खुशी ते गमी दा इहतमाम करन दी अल्लाह तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।